आशीर्वाद दो जो मैं अपना घर कहीं बसा सकूं। लड़ाई करती नहीं।
जन्नत मेरे पिता वर्ग पर बच्चा मांग लगी चौथा पल आ गया मां दो लगी तुमने मां क्या मत मंजूर गुजारा मांगदा मरता का मत भैया आज इसका तो एक बेटा तो है एक बेटा जा रहा है दूसरा बेटा तो है स्वागत भैया पिता के समान भैया हमारा देश भैया इस दिन रुदल का पिता मर गया रुदल गोदी में था मात्र 6 दिन का पिता का मुख रुदल नहीं दिखा पिता की समान आपको माना मैं आज बड़ी सभा में मेरा भाभी बोला अपने भाई को तू राज तिलक दिया है तो राज महोबा में तेरा हिस्सा तक नहीं है नहीं भैया नहीं भैया बड़ी सभा में मेरा रजी सिंह पोशाक उतार लिया क्या मेरा इज्जत नहीं है ऐसा मत करो भैया मुझे बेबस मत करो भैया रुदल मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है मैं वहां पर नहीं जाऊंगा भैया चाहे रुदल मर क्यों नहीं जाएगा भीख क्यों नहीं मांगेगा लेकिन रुदल वापस राज महोबा नहीं जाएगा जिस रोज सती सोना का घमंड नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं वापस राज महोबा नहीं जाऊंगा Thank you.
हृदय को बलिदान कर दो लेकिन गाय वापस नहीं जाओ। Thank you.
मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और मोहब्बत क्या बात है, किस कारण है, कोई खबर नहीं है मोहब्बत से। सलाम सलाम।
पूछ लिया है क्या मामा के हाँ मामा उरियन वाला रात उरियन से चल करके कहा था आगे देखो उसको स्वागत कैसे लेते स्वागत मुझे कहूँ ना यार हाँ स्वागत कहते रुदर रहे थे कैसे स्वागत है चले रुदर चल गए महारानी सोना का महारानी फूला का
कुछ मोटा मोटी झगड़ा मोटा मोटी झगड़ा इंदलर्जी लड़ाई घर घर में बात बढ़ गए महारानी सबके झोटा झोटे पट्टा पट्टा लड़ाई पक्की कर गई महाराज उतर गए महारानी सब से बतावती बढ़ गए तोरा राजघाट में कुछ न छो हमारा घर वाला के तू राज मटुक दिली तो चमकिया वाला कह दिली ना कौन का सोना अच्छा नया नहीं तो हां तो के कहे चले मालिक ने ना मने बियाह कर पाइन छैन के सबटा तिलक छला बियाह तक लबे के की सब होय छे अरे देखू नारी तो बहुत बड़ी बात है मंत्री एक झूठा बात है भाजन कहा है उसको दर्द करो कहां पर है दर्द करो चल गए सच बता मंत्री ये तो सोचने वाला बात है हम तो बहुत खुशखबरी लेकर आए हैं बहुत खुशखबरी इसी जो तुम्हारा मामी है ना और बाल बच्चा है ना अब सबको मेला करने के लिए जा रहा है वो तो मुझे आध रास्ता में पड़ गया इसीलिए मेला कौन मेला अरे शिव बाबा को स्थापना किया जो कोई जल चढ़ाता शिव बाबा के जितने सप्रण पे कुंड चल जाता है इसीलिए मैं रास्ता घूर के आया हूँ ये नैना वाली तू तो मेला करने वाला है इसीलिए मैं खबर कर रही है मतलब मामी और का प्यारा चमटिया पर बैठा दे रहा तू ये लगाता है एकरा को नहीं कहवे तो मन मत दुखे दुख ना हां दर्द करो मैं कुछ दर्द कुछ महारानी जी ए बाप रे बाप की न की बात क्या हुआ ये बात नहीं पूछू मामा की करे छे बुझ लिया क्या मामी का सब परिवार है फुलवार में चौबटिया पर बैठे न छे आ कहो के जे जे छे पुतो और के छे आज नौ मामा का को नहीं चोर करबे हम जे किन से चल लेबे ए सब का बड़का मन न टूटबे बुझ लिया हां से कथिला तो सूरज कुंड में शिव बाबा उखरल छे ओय में जे कोई जल चढ़ाबे छे तो जीते पे कुंड से अरे मंत्री इसमें सोचने वाली बात है की सोच गए देखो पति देवता पिकर बाबा धाम जाए छे जो होना जाए छे करना जाए छे जीते पे कुंड जाए छे ठीक है लेकिन इसमें सोचने पर जा रहा है ना सोचू ना जल्दी मैंने देवर को साथ में एक कावन किला को रात में मैं झूला झूल लिया मेला कर लिया लेकिन आज देवर दल मोहब्बत का मोहब्बत से खाली हो गया किसको साथ जाओ मेला करने के लिए नहीं ठीक है बाबा मामा घुरा दे छे तो चले जाओ बोलो मामा हां बतावा ना क्या हो मालिक रुदल नहीं छे महारानी नहीं देते जानानी मामी और का मेला करा दिया अभी का अपन चल लिया मैना वाली पुतु नहीं जाएगा ना अरे जीते पे कुन चला जाएगा सब बात पे उसको बोलो
जीते कुंड जाए नहीं नहीं नहीं। अरे मामा है जो पुतू को संग में जाएगा सारा उनकी माई का जो कोई सारा जो मामा अपन खानदान के लोग नहीं छी को मामा तो अपन प्योर है छे मामा झूठ बाजते ई कहल के यदि मेला नहीं लगवे तो रो के मन में बड़का दुखा दुखी रहे थे ते द्वार बेचारा ये छे अपने जना करियो से कर लो मामा सुना हो Yeah.
ना ऋषि लोग मामा जीवन चुतिया है नारा माहिल घर घर झगड़ा देत लगा मामा को बात ने पर नारी मेरे बारू दर्शन मेला जाना मना है ये कदा भी नहीं हो सकता है अगर बाहर उदल जाता तो तुम्हारी मेला बुरा कला थी लेकिन बाहर उदल नहीं है तो मेला जाना नहीं नहीं समझा नहीं नहीं मेला करने के लिए नहीं जाऊंगी पतिदेव आप सरकारी वकील दे दो मेला करने के लिए जाऊंगी नारी पति परमेश्वर होता है अगर तुम बात नहीं मानते जाओ पूरी मोहब्बी किला में 3600 दियादी में नागिन बन के एक एक के सारे कमाई का मैं चलती ही कहा तो मेला करने के लिए बहनी से मेरा ही भाव से
ती मैया कर मंगडोली लगा ते मैया कर मंगडोला दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, मगर इस गोलियों में लिखा है, इस गोलियों में लिखा है मरना। चेहरे में भैया स्पष्ट मरने वाला का नाम आधा भी आधा शाबाश। किसी गांव को और निकलता हो जिसकी मां की गोद में बच्ची रोती है तो बच्चे की मां बोलते हैं पुण्य सोचाओ सो जाओ नहीं तो चंग सिंह आएगा तो क्या कर बच्चे अपनी मां की गोद में बच्चे अपनी मां की गोद में जाग हो जाते हैं मेरा ही नाम सुन के। थैंक यू शर्मा अपने बंगला आवाज पहुंचता हूं चौदह सौ मीरन बंदन फौज है मेरे दरबार में सला एक भी नहीं दिखाई देता है अगर आज आ गया मेरे सामने तो छक्का ना चुरा लू तो मेरा क्या चीज का तुम्हें डर होता है रामजादे ये चंद्रहास तलवार है ये चंद्रहास तलवार है क्षत्रिय से संग्राम करने वाले तुम इससे डरो मत कमा डर ला आओ मेरे बहादुर क्या तुम नहीं आओगे मैं चमेला नहीं हूं जो काम अटोला टोला महला महला जाकर के मैं ये काम करता हूं मैं एक छतरी हूं टमाटर आओ मेरे नजदीक आओ और मुझसे बातें जिसे करो क्या तू नहीं आओगे नहीं आओगे तो ठीक है मैं आज तुझे अपने शक्ति से मैं खींच के लाऊ तो मेरा क्या कहा अगर मैं जो कहता हूँ
उस बात को एक बार उल्टा सीधा हुआ पहचान ले जग सिंह को, कौन नहीं जानता है जग सिंह को? टमाटर या टमाटर? अरे हमारे सूरज कुंड का रहती पर किस तरीका से रहते हैं? सूरज कुंड का रहती पर किस तरीका से रहता है? अरे तुम किससे बातें करते हो? किससे बातें करते हो? अरे मैं तो तेरा मालिक हूँ। मैं तो तुम्हारा मालिक हूँ। और तू तो मेरा नौकर है। तू तो मेरा नौकर है। हाँ टमाटर लाल। हाँ टमाटर लाल। क्या तेरा भेजा खराब है? अपनी खराब हो गया। अरे होते में बात करो टमाटर लाल। टमाटर लाल खेला बड़ा हो गया रेगा टमाटर लाल दो साल हमारे तुम्हें क्या कहा था? अरे मैं जो परसेंट देता हूँ यानी उसका एक डर चाहिए उतर चाहिए। अरे कुर्सी ले, अरे कुर्सी ले, सारा जो प्रोग्राम में पहुंचता है कोई ना कोई ना कार्य करके पहुंचता है। एक न एक कोई न कोई बहाना हमेशा इसके पास में रहता है। हमले वाले जेबी में चले गए दुकान के वहां से बीड़ी लेकर निवाम है।
अरे
दी ओकरा सब हम समझ गए हां अरे बेटा ई जे बात करे तो ना लगले जा पकड़ के उठ जा अल्लाह ना हां एक धागा लगा के दोनों व्यक्ति ने दूर पड़ा ने मार के हम सुदा घर में बोलिया कसरा जा सुदा का क्या सरदार है हम लोग सरदार है चलो
कार्ड नोट कर लिया, नगद नहीं मिलेगा, सुबह भी जाएगा। एक काम करो, जो मोहब्बत में कोई नहीं है वो नैना वाली और राजपाट से सबको निकाल दिया है, जो बदला लेना है ए नायल जी बोलो, अगर आपका जेब खाली है जंग सिंह को सोए बता दो, आपको जो होगा लाख दो लाख दे सकता है जंग सिंह, लेकिन मोहब्बत से रुदल कभी नहीं निकल सकता है, न उसका परिवार न उसका पुत्र कभी नहीं निकल सकता है। अरे रुदल है तो मोहब्बत किला नाम का किला है, रुदल नहीं है तो मोहब्बत किला धन से जंग सिंह रुदल क्या है सारा की मैं कहती हूँ, राज परिवार से सबको निकाल दिया नैना वाली, क्या नैना वाली को राजघाट से निकाल दिया, निकाल दिया कोई नहीं, क्या सच बोलते हो, सच बोलता ना झूठा होता है, सुनो सुनो ये गप मैं माने करता हूं, सुनो 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 जे बात कहियो हेवे ना करते कभी हो सकता है, तो हम जाय में बैठे ना ऊपर के बजता मामा मामा है जे रुदल का पुरानी दुश्मनी जे रुदल जे जे रुदल के कितना मैं सच बोलता हूँ, झूठ बजने वाला माहिर सुबह नहीं है, रात परसों निकाल दिया नैना वाली, यदि बदला लेना है तो उसे बोलो, क्या झूठ नहीं बोलते हो, नहीं तो ठीक है, अगर झूठ नहीं बोलते हो तो एक काम कर सकते हो, बोलो सबसे आपके पास सात पुत्र है, सातों पुत्र को कसम खाओ ये बात सच्चा है, रुदल मोहब्बत से निकला हो गया है तो मैं मान सकता हूँ, नहीं तो मैं मान भी नहीं सकता, सातों पुत्र का मैं क्रिया था, क्रिया खा का कवर हम लोग का विश्वास है, विश्वास हो जाएगा, राम क्रिया विशेषण क्रिया क्रिया खटाया था महल माहिर सी को सात को बेटा क्या नहीं होगा, अगर सच गप नहीं होता तो सातों पुत्र को पसंद नहीं खाते हमारे, हाँ मीरान सातों पुत्र बात चाहिए, अच्छा अरे गिरगिरी सिंह जी तुम लोग बोलता है क्या बात है, अरे इसके आगे करना क्या करेगा मुझे, एक काम करो सब हो गया, शिव बाबा को स्थापना करो, ऐसा धूमधाम के साथ मेला लगाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और नैना वाली को चढ़ा करके जो उसको दी इज्जत लुटाना हो, सरोज कोट में शिव बाबा को मंदिर स्थापना करूंगा और धूमधाम के साथ मैं मेला लगाऊंगा, उसी मेले में नैना वाली को चढ़ा करके लाएंगे, उसी समय मैं उसको कब्जा थाम लूंगा, एक समय की बात जब मुझे चुप्पी के खोखा से निकाल दिए थे, वही बदला लेना है मैदान, तुम नहीं समझते हो, तुम मैदान हो, ठीक है आप यहां से जाओ और नैना वाली को चढ़ा करके लाओ, हाँ और मीरन मंदिर तैयार करते हैं, मेला को तैयारी करते हैं, शिव बाबा को स्थापना करो धूमधाम के साथ, देश देश के नारी और जल भी चढ़ेंगे और नैना वाली को हम भी चढ़ा के लेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं बनेगा तब तक आपको काम नहीं मिलेगा, जब मैं नैना वाली को कब्जा थाम लूंगा ये काम उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, टाइम देते काम की वही ना, तीन दिन को काम परसों रोज आ जाएंगे, ठीक है महाराज, चलिए चलो अब लेट मत करो, शिव बाबा को मंदिर को स्थापना करो और मेला धूमधाम करने की कोई बात नहीं, चलो चलो पहले मंदिर स्थापना करेंगे इसके बाद सोचेंगे, इसको मौका चढ़ा के राजा जग
चिंदो मैं माता चाहूं को भाई धोखा दूं अरे सताओ पकारा मुझे भी लेकर चलो चलो मैं भी चलूंगा ना, हाँ। कर ना? आ हाथ में पोस्तक
मामा काल का ही पोस्ता रख दो, खाली चलो, अगर कोई सी झंझट बढ़ जाएगा तो जादू मार देगा, तो पुण्य करने के लिए जाता है तो पाप हो जाएगा, इसलिए पोस्ता को रख दीजिए। इसमें सोचने वाली बात है, जिस दिन देवर को साथ में जाते थे मेला करने के लिए, तो जादू को पुस्तक लेकर के 51 किला में घूमा, लेकिन कौन सा मेला है जो मैंने जादू को पुस्तक रख करके मेला करने के लिए तीरथ के लिए जीते बकुल के लिए जिस तीनों ने जन्म लिया मैंने भी अपने आदर्शों मैंने घबर सारे रोज मैंने घबर मिली माँ आज मुझे जादू के पुस्तक है हे मादुरा आज मुझे बोलते हैं मामा जादू के पुस्तक दे दो इसका वाक्य का मेरा कहे ठीक है ठीक है ठीक है हे मां तुम साथी रहना मैं जादू को पुस्तक दे रहा तो तलवार मांग रहा है क्या दे दूं बाबा दादा श्री तलवार मैं आपको दे देता हूँ तो मेरे पास में तो कुछ नहीं रहेगा कुछ नहीं है किसी को धक्का लगेगा लड़ाई हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा आदमी तो फिर वीरों के शोभा तो नहीं देगा अच्छा तो तब तक आप इसको अच्छे से रखिएगा Thank you.
क्या अभी तक तैयारी नहीं हुआ है मंदिर? बड़ी न्यूज है बड़ा काम कर
जीते पे कुछ चले जाए कि मारा मिलिए एक काम करो हां आओ सगार में सलाम करेगा और जल चढ़ाएगा वहां पर जाकर बैठ काम है करण को ए तेरा कुआं वाला दुकान है सर जो हमारा दुकान बड़ा सागर पे चल दिया हां तो भाग करने वाला चलो महाराज सब कुछ भी कैसे मिल रहा बहुत अच्छी बात में तब तो घूम कर मंदिर तो बहुत बढ़िया छ मामा का साथ विशाल मंदिर है शुरू के एक बात कहिए यार भोला बाबा का मंदिर छे कुछ भोला बाबा के ना चला नहीं का बे तो भोला बाबा खुश ले भोला बाबा खुश ना जंग सिंह
तुम तो पापी राजा। हाथ में राज्य करो, तुम तो पापी राजा है जगसिंह। अरे झूठ कैसे पापी हो? आकर को कावन की राजपत्नी को सिर्फ कौन बनाया? क्या तो उस दिन कलंक ने नागने नहीं थी जो भरे हुए शराब में मुझे बेइज्जती की थी? क्या तो कलंक ने नहीं थी? तुम्हारा पास में बाल नहीं था। आज तो मेरा पास में बाल है? नहीं। क्या नहीं? नहीं। क्या बिगाड़ोगे मेरा? तू जाओगे कहा? मामा जहां भाग रहा भाग सकते हो, कहीं भागोगे तो मेरे चरणों में आकर गिरोगे। अरे कुछ हाँ आकाश में, लेकिन धागा है मेरे पास में। तू कहीं नहीं भाग सकती है। Thank you.
देखो सुनो, अगर तुझे जान बचाना है तो मेरी कहना को स्वीकार कर लो। यहाँ कोई नहीं बचाना आएगा, नहीं क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, नहीं। अब तू जाओगे कहाँ? अब तू एक बार मेरी बाहों में आ जाओ और मेरी हिंसा को जैसे मैंने प्रतिज्ञा किया था वही प्रतिज्ञा आज मेरा पूरा कर दो। सुनो, आ मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, नहीं। जब मैं चीज बोल दूंगा तो शादी सुधार कर लेना। अगर शादी न सुधार की चिमटिया देख, जब तक तू शादी न सुधार करोगे तब तक तुम्हारे पाँव में चिमटिया नहीं उठेगी। नहीं भैया, और तो शादी करोगे या नहीं? नहीं। प्रेम बाबू में बचते ही।
लाखों लोग अपने आप मेरे पैरों पर आकर गिर गए। और तू शादी करोगे या नहीं? मैं शादी करूंगी। सेना ये कहना बस की राज है। जंग सिंह का सूरज को तुम्हारे नाम से दस्तक करूंगा। तुम इससे डरने संकोच करने की कोई बात नहीं है। आज से सूरज को राज बनाऊंगा। टमाटर लो ठीक है सारा ना जाने कहीं चला गया होगा। जल सिंह साध करने के लिए मुझे स्वीकार कर लिया था। शादी मंदिर का पता लगे यहाँ सुनो 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 बोल तुम्हें क्या चाहिए? जब तू शादी स्वीकार कर ली तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। महाराज मैं शादी को स्वीकार कर लिया लेकिन मेरे साथ में एक टपी शक्कर दो मैं शादी अवश्य। क्या मैं तुम्हारे साथ सच कर दूं तो शादी स्वीकार करोगे? अरे बेहूदी कहां पर दो। अरे सच से पहले मैं वैसे देने के लिए 14 कोस की सुरकुट को राज भाई देने के लिए तैयार हूं। तो सच करने पर तुम मुझसे मांगोगी क्या? मैं सच कर महाराज तो डरते हो क्या? नहीं नहीं एक शादी था आपको एक शादी है। हाँ मेरे पास एक शादी है। मुझे शादी करने के बाद में मेरे शादी करने के बाद में पीछे इसलिए। अच्छा अरे तुम डरती हो हमसे पहले तुम्हारे पास एक स्त्री है। क्या हो सके पीछे धोखा दे करके मुझे दुनिया दुनिया में ठोकर दे? चलो कोई बात नहीं है सच कई कर देता हूं। क्या सच करने पर दो तू खुश ध्यान से सुन लो। अरे ये क्या दोस्त वर्मा में सुनता? अरे ये दोस्त वर्मा में सुनता क्या तो तुम्हारी कहने के लिए दोस्त मिनट के बाहर तुम सैड हो सूरज
लूंगा, धोखा में उससे सब करवा लो, सब कर उसको जा करके समझाओ क्या तुम चाहती हो, साफ साफ बता दो, मेरे राजा को कह दो सब कर क्या। अरे मैं क्या तुम कुरान नहीं दूँ, अब मैं कुछ नहीं लाऊँगा, शादी करने के लिए मैं अपना मर्जी से लाऊँगा, इतनी पाल हम आपने अपना अच्छा से लाया हूँ, मैं अपना अच्छा से रखूँगा इसे बिया करें। मंत्री जी सब चाहे द्वार कर लो, बारह वर्ष किया कर सोता मत माता चौधरिया पर आपात जति कपड़ा बस्तर दाल चढ़ गया चौधरिया पर आप पहुंचा लो, बारह वर्ष के भीतर में जे हमारा शरीर में भीड़ से अपना बहन के सेहत पहुंचा लो। सालों किसी को घर में आग लग गया है, सालों तुम्हें पानी ढकना चाहिए या आग को लगाना चाहिए। करना पड़ा क्या करना पड़ेगा, अरे बारह वर्ष तक तो मुझे कसम दे दी, बारह वर्ष के बाद मैं मर जाऊंगा क्या जिंदा रहूंगा क्या कहा क्या क्या बारह वर्ष जितना अंगान कपड़ा दान वस्त्र दान सब कुछ लुटेंगे, कपड़ा पैर चौबटिया में बना दीजिए, अच्छा 12 वर्ष तक सदा लुटेंगे, 12 वर्ष के बाद में उसका बाद में हम शादी करेंगे। आज के चौदह बारह वर्ष का बहुत दिन हो गए, कितने हो गए बारह वर्ष, बारह दिन, अच्छा बारह घंटे, बारह सेकेंड, बारह मिनट, बिल्कुल नहीं, शाबाश भाई। लेकिन ये मेरा ठाकुर से मेरे पंजे से जाएगी का ठीक है, बारह बरस तक कितना सामान ये मांगते हैं सारा सामान पूर्ति करो, बारह बरस के बाद इसको साथ में शादी में जाकर के लेंगे और इसका दिन भी खराब नहीं करना ठीक है, कोई भी सुबह छतरी आएगा करेंगे चलिए। मेरे साथ में सूरज कुंड आया मेला करने के लिए, जन सिंह दौड़ा घर लिया, आज देव रुदन मिलते तो देवरानी मिलते Thank you.
तेरा नाम अभी तक जल चढ़ाने हुए कितना लोग लगाया। अरे मैं तो मेला घूमता हूँ कि मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ। जुलूम हो गया महाराज। अरे क्या जुलूम हो गया? मंदिर नहीं था सीमा का। तो क्या था? जन सिंह का तालाब थे महाराज। जन सिंह का तालाब था। मेरी माँ को पर्चा थाम लिया। अरे अब क्या होगा? साले को चले देखेंगे जंगसी को कितना ताकत है। अरे मेरा हथियार तो क्या करूं? मेरा शस्त्र तो ले लिया। तो क्या करेंगे? यहाँ से भाग कर चलेंगे। भाग कर चले चलो जंगसी के पास जो कहाँ पर है। यही है जम सिंह। जम सिंह कायर दूसरे बातें करो। दूसरे को स्त्री पर सल तुने लोग कहता है कायर तुम्हारे बाजू में दम था तो यहां से लेकर आता। चाचा इस समय पता चल गया राजभोपा में सोला तुम्हारा सर काटना बिना छोड़ी गए। जितने भी सिवा छत्री है किसी का बाजू में इतना दम नहीं है जो जंग सिंह के चांगुर से छुड़ा करके तो अपनी माँ को ले जाए। वही रुदर सिंह का पोषण हुआ इंदल कुमार है। अगर तुम्हारे बाजू में दम है तो एक बार इंदल से संक्रांत करके देखो। तैयार हो जाओ देखते हो क्या? माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, अब तो मेरे पास में शस्त्र है नहीं माँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी इसे जोर तो एक बार जरूर आजमा लेंगे जो जंग सिंह को कितना बड़ा है। चल तैयार हो जाओ। कुछ
अरे बेहुदा काम कर ले और जा रहे हैं करके हैंड।